हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जैन। दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीएसटी काउंसिल। देखिए, जीएसटी काउंसिल क्या होता है बेसिकली। इन दिस काउंसिल द गवर्नमेंट मेक सम दिस काउंसिल विल बेसिकली मेक सम रिकमेंडेशन on state government as well as central government on important issues related to GST, like what are the tax to be levied, then cess, surcharge, and what are the tax to be subsumed under GST, which goods are exempted, which goods are subjected to GST, what will be the GST rate, what will be the model of GST, levy कैसे होगा, then what are the principles of GST, and then how like IGST will be work when there is interstate transaction. So in this council में क्या होता है, ये basically इन टाइप के इश्यूज है वो डिसीजन होंगे। तो इसमें क्या होता है, basically आपको मेन जो फोकस करना है that is on members। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं देखिए बेसिकली इसमें। फर्स्ट होता है देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है यहाँ पर वाइस चेयरमैन। देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है, बेसिकली चेयरमैन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, वाइस चेयरमैन, ठीक है। जो कि कौन होते हैं बेसिकली, वाइस चेयरमैन होता कौन है बेसिकली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि कौन से एरियाज होते हैं, वो या तो लाइक रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल, ठीक है। देन 31 अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट। देखिए वो कौन होते हैं बेसिकली, मिनिस्टर्स इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू टैक्स, एंड ऑल दिस मिनिस्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट, ओके। अब देखिए इस मीटिंग में टोटल जब भी कोई भी डिसीजन होगा उसको देखिए क्वोरम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50%, होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय थर्ड फोर्थ ऑफ मेजोरिटी। और ध्यान से देखिए, विच मीन्स मोर देन 75% of votes will be more than 75% of known votes need to pass any resolution, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, इस 75% ऑफ वोट्स को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, वेटेड मेजोरिटी, वेटेड मेजोरिटी क्यों होते हैं बेसिकली, बिकॉज जैसे थ्री फोर्थ जो वोट्स हैं वो टू थर्ड होते हैं स्टेट के एंड वन थर्ड होता है सेंटर का। ये क्यों होंगे, स्टेट के एंड ये सेंटर के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेटेड मेजोरिटी वोट्स इस तरीके से बनाए गए, दैट इज
The resolution will be represented by both state as well as central government. ठीक है, यहाँ पर अब तक देखिए जितनी मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पर हो भी नहीं सकता। देखिए टोटल वोट्स कितने चाहिए, 75% वोट्स, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके भी जो वोट पास नहीं कर सकती, इनका शेयर कितना है, ओनली 33.33। ठीक है, और इनका शेयर कितना है, टोटल 66.67% है। यानी कि सारे स्टेट मिलके भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, एंड स्टेट अकेले भी जो है सारे स्टेट, यानी कि दोनों को मिलके ही जो है रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो है क्या क्या फंक्शन क्या क्या इसमें, जैसे कि क्या टैक्सेस होंगे, कौन कौन से GST सब्सिम्ड होंगे, कौन कौन से टैक्सेस जो है एग्जेम्प्ट होंगे, GST के रेट क्या क्या होंगे, सरचार्ज का रेट क्या होगा, सेस किस पर लगाना है, GST का मॉडल क्या होगा, क्या क्या प्रिंसिपल होंगे, तो ये सारे जो है डिसीजन किस में होते हैं, GST काउंसिल में होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप अनदर टॉपिक, दैट इज वेरियंट्स ऑफ वैट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरियंट्स ऑफ वैट। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरियंट्स, फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रोडक्ट वेरियंट, सेकेंड वन इज इनकम वेरियंट, एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन वेरियंट। इनका मतलब कह दीजिए, वैट में वेरिएंट हमने बोला था, हमने कंसेप्ट पढ़ा था किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस मेथड में मिलेगा, जिसको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ वैट। फर्स्ट बात करते हैं हम ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट की, यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए ITC का बेनिफिट किस में होता है, या तो गुड्स का होता है या फिर कैपिटल गुड्स का होता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। देखिए ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट में जो है क्या नाम है, कैपिटल गुड्स का जो है कोई भी ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट में अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई कैपिटल गुड परचेज करके लाते हो, तो एज पर दिस ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट के मेथड के हिसाब से आपको जो है ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ कम टू इनकम वेरिएंट। एज पर इनकम वेरिएंट ITC विल बी अलाउड इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट कैपिटल एसेट। ये कैसे होगा, एज पर डेप्रिसिएशन मेथड, यानी कि जितना डेप्रिसिएशन का रेट आएगा उस हिसाब से उसका बेनिफिट जो मिल सकता रहेगा। ठीक है, ना कम टू कंजम्पशन वेरिएंट, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो आपको जो फुल्ली अलाउड, यानी कि जिस टाइम आप कैपिटल एसेट परचेस करें उसका पूरा पूरा आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पर कौन देगा आपको ITC का बेनिफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट ITC विल बी गिवन इन मैक्सिमम टू इंस्टॉलमेंट। ओके, और अगर ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देती है, दैट विल बी अलाउड इन मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी अगर ITC का बेनिफिट दे रही है, दैट इज टू बी गिवन इन मैक्सिमम टू इंस्टॉलमेंट, एंड इफ दिस बेनिफिट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन दे विल गिव इन 36 मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ वेरियंट। Now come to how to calculate VAT, types of calculating VAT. Basically there are some methods. First one is value addition method. Second one is subtraction method. And third one is
invoice method. Now let's discuss this one by one. First one is value addition method. मान लीजिए देयर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 1000, इस पर वैट लगा 10% का, टोटल इसकी वैल्यू होगी 1100। मान लीजिए इसको सेल ऑफ करा टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट कितनी हुई है 1000 की, उसने वैल्यू एडिशन ऐड करा रुपीज 500, 10% उसने टैक्स रेट अप्लाई किया, सेल ऑफ किया एट रुपीज 1650। देन होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होलसेलर को, सॉरी होलसेलर सेल कर रहा है, उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी 1500, प्रॉफिट मार्जिन उसने ऐड करा रुपीज 300 प्लस 10% वैट, दैट इज रुपीज 1980। होलसेलर ने किसको सेल ऑफ किया था, रिटेलर को। अब रिटेलर सेल कर रहा है अपने कस्टमर को, उसके लिए कॉस्ट कितनी हुई है 1800 प्लस 200 प्रॉफिट मार्जिन प्लस 10% टैक्स, टोटल वैल्यू कितनी होगी 2200। अब हमें देखना है हाउ वैट टू बी कैलकुलेटेड अंडर वैल्यू एडिशन मेथड। हमें बस देखना है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे देखिए कितनी वैल्यू थी 1000 सॉरी वैल्यू एडिशन, सेकेंड पॉइंट में वैल्यू एडिशन कितना हुआ 500, देन 300 एंड देन लास्ट 200, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होगी 2000, टोटल वैट कितना कैलकुलेट हुआ, वैल्यू एडिशन कितना हुआ टू सॉरी वैल्यू एडिशन कितना हुआ सॉरी दिस इज सॉरी सॉरी दिस इज अ वैल्यू एडिशन वैल्यू, टोटल वैल्यू एडिशन, ओके। अब हमें वैट वैट करना है, तो देखिए वैट क्या होगा, वैट करना है 10%, यहाँ पर निकालेंगे 10% ऑफ 2000 कितना हुआ 200, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते, देखिए लास्ट में देखिए कितनी वैल्यू थी 2000, उसका 10% कितना हुआ 200, वही वैल्यू है इसमें, ठीक है। देखिए मेथड आप कोई भी अप्लाई कीजिए आंसर आपको सेम आएगा, बस कैलकुलेशन का वे ऑफ मेथड जब अलग अलग हो, ठीक है। सो दिस इज दी फर्स्ट मेथड, दैट इज वैल्यू एडिशन मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सब्ट्रैक्शन मेथड। मैं देखिए वही ऊपर वाला एग्जांपल लूंगा, रॉ मटेरियल है 1000 का, मैन्युफैक्चरर है 1500 माइनस प्रीवियस वैल्यू दैट इज 1000, टोटल कितना हो गया 500, ठीक है। अब इस पे जो 10% टैक्स लगेगा दैट इज रुपीज 50, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट चेंज देखिए होलसेलर में टोटल देखिए वैल्यू एडिशन कितना हुआ था 1800, प्रीवियस कितना था वैल्यू 1500, कितना डिफरेंस रहेगा 300, टैक्स कितना लगेगा 30% ऑफ दिस दैट इज रुपीज 30। देन रिटेलर, कितने वैल्यूडेशन था 2000,
माइनस 1800 प्रीवियस वैल्यू डिफरेंस 200 एट द रेट 10% टोटल वैल्यू 20। ठीक है, अब इसकी टोटल वैट कितना हो गया, इस पे 10% 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 टोटल वैल्यू 200। आप चेक कर सकते, देखिए वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी 200 200, बस वे ऑफ मेथड अलग है। नाउ नेक्स्ट वन इज इनवॉइस मेथड। सेम एग्जांपल लेंगे, देखिए रॉ मटेरियल। अभी हम देखना है कि देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल में कितना टैक्स इंक्लूड था। देखिए इंक्लूड करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी, 1100। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1100 डिवाइड बाय 100, 10 इंटू में 100, कितनी वैल्यू आएगी 100। तो वैट कितना हो गया 100 रुपीज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल में। देन सेकेंड में दैट इज मैन्युफैक्चर में कितनी रुपीज़ थी, 1650। तो उस पर देखिए टैक्स कितना इंक्लूड था, 150। ठीक है, प्रीवियसली कितना था 100, टोटल वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, देन होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितनी वैल्यू थी। देखिए यहाँ पर देखिए होलसेलर में 1890, 1890 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 180। प्रीवियस कितनी थी 150, कितना रहेगा 30। देन रिटेलर, उसने कितने पैसे लॉफ किया था, 2200 पे, दैट मीन्स टैक्स कितना कितना इंक्लूड था 200, प्रीवियस वैल्यू 180, कितना हो गया 20। एंड द सम ऑफ ऑल दिस अमाउंट विल बी 200। दिस इज द टोटल वैल्यू वेट। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ GST। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।